फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट एंड स्टडी विद बॉटनी सर. सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. राइट, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Which of the following is not a symbiotic nitrogen fixing bacteria? Right? Nitrogen fixing bacteria symbiotic कौन सा नहीं है? तो symbiotic nitrogen fixing bacteria आप जानते हो, those remain associated with other plant or other organism. तो यहाँ पर देखो, symbiotic है राइजोबियम, सिम्बायोटिक है फ्रैंकिया, सिम्बायोटिक है माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम नॉन लेग्यूम प्लांट्स में होता है. चलो, ये माइकोबैक्टीरियम होता है आपका फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइटिस. चलो, यहाँ पर बोल रहा है नॉट ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये होता है क्लोस्ट्रिडियम. तो क्लोस्ट्रिडियम इज एनरोबिक बैक्टीरिया, स्ट्रिक्टली एनरोबिक सॉयल बैक्टीरियम है, फ्री लिविंग है. ठीक है, तो ये आप सुने होंगे, फ्री लिविंग एनरोबिक बैक्टीरिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गन फार्मर. सो ऑर्गेनिक फार्मर का बिलीफ नहीं है, नॉट द बिलीफ ऑफ एन ऑर्गेनिक फार्मर. ऑर्गेनिक फार्मर किस पर बिलीव नहीं करते हैं, ये देखो आंसर में आ जाओ. ये आपका फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड एक्सटेंसिवली लिखा है. तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मर क्या करते हैं, ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर पर बिलीव करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज ज़्यादा नहीं करते हैं. तो बायो फर्टिलाइजर में बीजीए के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 31, ये 31 क्वेश्चन देखो. तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट्स नोन एज डैश व्हिच इज फॉर्म बाय मेनी मेंबर्स ऑफ फंगल जीनस. देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई लिखा है. विथ फंजाई मतलब फंगस बनाता है माइकोराइजा, और ये एग्जाम्पल है फंगस जीनस दैट इज ग्लोमस. ग्लोमस ऑर्किडेसी फैमिली में एसोसिएट होता है विथ ऑर्किड. ठीक है, तो माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक फंगस एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक ऑर्किड. ऑर्किड के साथ ग्लोमस एसोसिएट होता है, इसी को बोलते हैं योर भाम माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा डिपेंडिंग ऑन इट्स सेप. राइट, और दूसरा जो है पाइनस के साथ होता है, दैट इज बोलेटस फंगस, बोलेटस माइकोराइजा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर. ये होता है ग्लोमस इंट्रा सेलुलर माइकोराइजा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, पहले जो आंसर आएगा देखा जाएगा. तो ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स ए एंड डी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हिच वन इज फॉल्स. देखो बेटा, इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ने के बाद आपका आंसर बनाओ. तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम स्टडी करते हैं, टू होता है. तो टू में क्या लिखा है, टू में लिखा है आपका ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स एंड डी ट्रू. मतलब बी एंड डी ट्रू है. बी एंड डी का देख लेते हैं डिस्कशन. बी एंड डी ट्रू है, तो बी एंड डी ट्रू. ठीक है, ये ट्रू है और ये ट्रू है. देखो, यूसेस बायो फर्टिलाइजर्स विच इंक्रीजेस सॉयल फर्टिलिटी. तो बायो फर्टिलाइजर से अराउंड 20% to 25% यील्ड इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ सॉयल फर्टिलिटी. ठीक है, रेजिंग ऑन पॉल्यूटेड क्रॉप्स
थ्रू द यूज बैक्टीरिया फंजाइंस एंड बैक्टीरिया। देखो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो अनपॉल्यूटेड के लिए आप बायो फर्टिलाइजर यूज करते हो। दीज आर बैक्टीरिया फंजाइंस एंड बैक्टीरिया, ये दोनों ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स देख लेते हैं। प्रोड्यूसेस फूड क्रॉप्स रिच इन लिपिड विटामिन्स एंड आयरन, इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। सो देर इज मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इसका भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ए एंड सी फॉल्स, बी एंड डी ट्रू हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको वाइप कर लेते हैं। इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइज, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप बायो कंट्रोल पेस्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो, जैसे कि कॉमन है बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी। ठीक है, ये सॉयल बैक्टीरियम है, इसी का एक जीन होता है क्राइजीन, इसका प्रोडक्ट होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्राई प्रोटीन, जो कि आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज बायो पेस्टिसाइड। तो ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 34 वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सीवेज इज करेक्ट। तो सीवेज के लिए कौन सा करेक्ट है? सीवेज तो जानते हो, पॉल्यूटेड वाटर विद फिकल मैटर म्युनिसिपल वेस्ट एंड हाउ डोमेस्टिक वेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट की बात कर रहा है, तो आंसर देखते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट हुज मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रेटा, अभी जो डिस्कस किया था वो बता दिया। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होते हैं जो ड्रेन में निकलता है फ्रॉम हाउस होल्ड, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रेटा। इसमें ई कलाई रिच होता है, ई कलाई के वजह से ये इसका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बीओडी सब इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्क द मिसमैच्ड पेयर। तो यहाँ पे मिसमैचिंग कौन सा है? मिसमैचिंग देखो, ड्रैगन फ्लाई बायोकंट्रोल एजेंट, ये देखो ये तो सही है, नहीं ये राइट है। तो ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को कंट्रोल कर लेता है, या ऑसिलेटोरिया इंक्रीज अल्कालिटी ऑफ सॉइल। देखो ये इंक्रीज नहीं करता है, अल्कालिटी को न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया, मिसमैच। ठीक है, और बाकी का ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बायोगैस बनता है। ठीक है, और VAM दैट इज बायो फर्टिलाइजर माइकोराइजा। ठीक है, तो मतलब टू इनकरेक्ट है। ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल होता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्कालिटी। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन इस तरह का है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो, मैच द कलम वन विथ कलम टू करेक्टली। देखो यहाँ पे ए का हो गया थ्री, इसको हम एरो मार्क से करते हैं, ए का हो गया थ्री। सिट्रिक एसिड एस्पर्जिलस नाइजर से बनता है बाय फर्मेंटेशन, और बी का हो गया वन साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा फंगस से बनता है, और सी का हो गया फोर स्टैटिन मोनास्कस परपुरियस एक ईस्ट स्ट्रेन है उससे बनता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, और डी का हो गया टू ब्यूटरिक एसिड बाय क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। तो ये हो गया आपका मैचिंग फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ले चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया था, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? देखो भाई, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ये ब्यूटरिक एसिड बनाता है, ये नहीं होगा, और रिमूवल ऑफ सॉइल स्ट्रेन ऑयल स्ट्रेन, ऑयल स्ट्रेन ठीक है लाइपेज के लिए, लेकिन ये ब्यूटरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया रॉन्ग। तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ये ठीक है। मोनास्कस परपुरियस स्टैटिन लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिमूवल ऑफ क्लॉट।